सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर भाग्य पर भरोसा है तो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। बैठना है तो थक कर बैठो, हार कर नहीं। हो सकता है एक बाजी हारे हो लेकिन जिंदगी नहीं। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। आज का पंचांग 25 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। सुबह 6:46 तक रहेगी, इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र रात्रि 2:24 तक रहेगी, इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:00 से 3:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर रात्रि 8:00 तक रहेगी, इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 25 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार, इस समय लोग आपके लिए बेहतरीन विचारों को सुनने जानने के लिए बहुत इच्छुक हैं। आपको अब उनसे जो भी बात मनवानी है आप आसानी से मनवा सकते हैं। इसके लिए कोई कसर न छोड़ी, अपने अधिकार जताने की प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखें, यह आपके खिलाफ जा सकती है। अपना दिमाग खुला रखें, आपको किसी करीबी से कोई अप्रत्याशित खबर भी आज सुनने को मिल सकती है। किसी भी पॉलिसी आदि में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा समय है, भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित यह हो सकता है। दूसरों से मदद लेने के बजाय अपनी कार्य क्षमता और योग्यता से आप बेहतर तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे पाएंगी। घर के वरिष्ठ सदस्यों का भी आपको आशीर्वाद मिलेगी। बड़ी खरीदारी की योजना भी आज बन सकती है, तुरंत पैसा खर्च करना आज गलत साबित हो सकता है। पुराने निवेश के कारण अचानक फायदा भी हो सकता है। दूसरों को दिए गए वचन को निभाना आपके लिए जरूरी होगा। काम संबंधित लोगों से बातचीत करते हुए निर्णय लेना होगा। अकेले निर्णय लेने के कारण नाराजगी भी बनी रह सकती है। कार्य में बधाई भी आ सकती है जिससे आप निराश रह सकती हैं। दोपहर में आपका खर्च अधिक होगा। शाम को आय हो सकती है, सहयोग करने वाले पीछे हटेंगे। जीवन साथी की चिंता भी रह सकती है। सावधानियां, अपनी वस्तुओं को आज संभाल कर रखें क्योंकि यह चोरी हो सकती है या वरिष्ठ लोगों के साथ मिलते जुलते समय अपने व्यवहार में आप सौम्यता व शालीनता बना कर रखे क्योंकि कुछ नुकसान होने की स्थिति भी बन रही है। भाई बहनों के साथ भी कुछ समय आप जरूर बिताएं। बात करते हैं लव लाइफ की। आज कुछ अन्य व्यक्ति आपके प्यार के जीवन में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकती हैं। यह आप पर निर्भर है कि वो कितना सफल होंगे। अगर आप उनकी बातों को सुनते हैं और प्रभावित होते हैं तो यह आपके प्रेम प्रसंग को नीचे की तरफ ढकेल सकता है। इसके कारण अगर आप बाहरी व्यक्ति की बातों पर ध्यान ना दे तो यह आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करता है। अनजान लोगों पर हो सके तो आज भरोसा ना करें। बात करते हैं करियर की। यह निवेश के किसी भी प्रकार के लिए एक शुभ दिन हो सकता है। अगर आप संपत्ति खरीदने के लिए योजना बना रहे हैं तो आज के दिन सौदे के लिए अनुकूल है। यदि आपने नौकरी के लिए आवेदन किया है तो कंपनी से इसकी जाँच करें। आपको नौकरी के संबंध में एक अच्छी खबर भी प्राप्त हो सकती है जो आपके दिन को भी बना ही देगी। कार्य क्षेत्र में आपको अधिकारियों से डांट खानी पड़ सकती है। आपको अपनी योजनाओं को पूरा करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा, नहीं तो कोई आपको धोखा भी दे सकता है। आपको अपने मित्रों का पूरा साथ मिलेगा। आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं तो उसमें वाहन आपको सावधानी से चलाना होगा। व्यापार में आपके काम थोड़ी बिगड़ भी सकती हैं, उस पर आपको अपनी ज्यादा ध्यान लगानी होगी। बात करती हैं सेहत की। आज का दिन यात्रा के लिए अच्छा रह सकता है।
आप अपने सामान्य फिटनेस कार्यक्रम का भी पालन नहीं कर पा रही हैं। विशेषज्ञों से भी आप सलाह लेकर अपना कार्यक्रम दोबारा बनाएं। आपको असंक्रमण होने की भी काफी आशंका है, इसके लिए कोई हल्की फुल्की दवा लेना भी अच्छा रह सकता है। तेज दवा लेने से आपका पेट खराब हो सकता है। आज का उपाय, केले के पेड़ पर जल चढ़ाए शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।